हाय फ्रेंड्स, मैं गुलाब। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वीकली सेलिंग स्ट्रैटेजी जो निफ्टी में हम करने वाले हैं। बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी यहाँ पे है ना, बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है। मैं सिंपल एडजस्टमेंट भी यहाँ पे करके दिखाऊंगा। आप किसी भी मार्केट में, ट्रेंडिंग मार्केट हो, साइडवेज मार्केट हो, किसी भी मार्केट में हो, सारे टाइप के मार्केट में ना इस स्ट्रैटेजी को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो एडजस्टमेंट है ना, मैं बहुत बेहतरीन एडजस्टमेंट इसमें बताने वाला हूँ, वो भी बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है। इनकेस अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चलने लगा तो आप उसको एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ। उससे पहले है ना, अगर आप अभी तक मेरे जो प्लेलिस्ट का जो स्ट्रैटेजी की प्लेलिस्ट अगर आप अभी तक नहीं चेक किए तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे देता हूँ। ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी बैकटेस्ट नाम के यहाँ पे है। यहाँ पे ना बहुत 1 ईयर 2 ईयर है ना, मैं वीकली मंथली डेली का है ना, इंट्राडे के सारे स्ट्रैटेजीज के है ना यहाँ पे बैकटेस्ट करके मैंने यहाँ पे डाला हुआ। बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजीज हैं, एक बार आप यहाँ पे इसको है ना विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आयरन काउंटर पर जो मैं ट्रेड लेता हूँ, यहाँ पे पूरा सीरीज है जो मैं रियल मनी से जो ट्रेड करता हूँ मंथली का, तो ये पूरा सीरीज अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा वेबसाइट है। यहाँ पे ना मैं हर महीना पे ऑफ चार्ट को भी इस तरह ग्रीन करके दिखाता हूँ, एकदम मतलब हर महीना प्रॉफिट करके पूरा पे ऑफ चार्ट को ग्रीन करके इस तरह दिखाता हूँ। तो आप है ना इसका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया हूँ पूरा सीरीज का, आप इसको भी एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अभी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कैसे करना वो बताऊँगा मैं। उसके बाद मैं क्या बताऊँगा, अगर आप एडजस्टमेंट नहीं भी करना चाहते तो आप स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल सकते हैं इजीली, या फिर आप एडजस्टमेंट करके स्ट्रैटेजी को कंट्रोल करना चाहते हैं टिल एक्सपायरी तक, तो वो भी मैं एडजस्टमेंट भी आपको बताऊंगा। दोनों केस में यहां पे आपको बताने वाला हूं। बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी है, आप मस्त है ना इसमें एंजॉय करेंगे डेफिनेटली। अब देखिए सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी डालना कैसे। सबसे पहले देखिए एटीएम से है ना, कॉल साइड आप पुट साइड दोनों साइड सेम ही आपको कुछ करना है, वहां पे है ना अलग नहीं है, राइट। तो देखिए यहां पे क्या करना है आपको, एटीएम से है ना 100 पॉइंट दूर जाके आना, एक लॉट सेल करना है, एक लॉट यहां पे 150 पॉइंट दूर जाके आपको एक लॉट बाई करना है। फर्स्ट मतलब ओवरऑल है ना यहां पे एक आयरन कॉन्डर डालना है, यहाँ पे ना एक आयरन कॉन्डर डालना है, और यहाँ पे एक आयरन फ्लाई, और यहाँ पे एक आयरन फ्लाई, मतलब एक आयरन कॉन्डर सेंटर पे आयरन कॉन्डर आ रहा है और लास्ट में इस तरह आयरन फ्लाई आएगा, ओके। और यहाँ पे बीच में ना फुल ग्रीन रेंज रहेगा, ये पूरा ग्रीन रेंज रहेगा, तो इसमें आपको इस तरह पे ऑफ चार्ट दिखेगा कंटिन्यू, मतलब प्रॉफिट ही रहेगा, पूरा ग्रीन रेंज, बहुत बड़ा रेंज यहाँ पे ग्रीन रेंज मिलने वाला है। तो मैं क्या करूँगा आपको, सबसे पहले ना स्टॉक मार्क पे लेके जाके मैं डाल देता हूँ। उससे पहले यहाँ पे देखिए 300 पॉइंट दूर जाके आपको यहाँ पे आयरन फ्लाई डालना है, 300 पॉइंट दूर जाके आपको क्या करना है यहाँ पे आयरन फ्लाई, यहाँ पे 300 पॉइंट दूर जाके आपको आयरन फ्लाई डालना है, और यहाँ पे है ना फर्स्ट है ना आयरन कॉन्डर डालना है। चलिए मैं एक बार है ना आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले है ना स्टॉक मार्क पे लेके चलता हूँ। देखिए मैं अभी एक एग्जाम्पल आपको है ना बिना बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ, और ये एक एग्जाम्पल है ना मैं बैक टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। टोटल दो मैं यहाँ पे 2 वीक का आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, फर्स्ट अभी एक्सपायरी का जनवरी का, राइट, जनवरी का फर्स्ट अभी थर्सडे 4 तारीख को यहाँ पे एक्सपायरी है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे स्टार्ट डेट है ना अपना फ्राइडे के दिन रहेगा। देखिए जैसा ही एक्सपायरी खत्म होता है तो नेक्स्ट डे क्या रहता है, फ्राइडे रहता है, राइट। तो फ्राइडे के दिन निफ्टी में थर्सडे एक्सपायरी है, तो हम फ्राइडे के दिन यहाँ पे ट्रेड डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं 29 यहाँ पे फ्राइडे के दिन यहाँ पे डेट सेलेक्ट करता हूँ, और टाइमिंग है ना यहाँ पे 12 बजे रहेगा, आप है ना टाइमिंग इसको 12 बजे डालिए ताकि मार्केट है ना यहाँ पे सेटल हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, एक आयरन काउंटर डालना। आयरन काउंटर हम कैसे डाल सकते हैं, एटीएम यहाँ पे, राइट, ये एटीएम है, एटीएम से 100 पॉइंट दूर आना, यहाँ पे एक लॉट सेल करना, जस्ट उसके अपोजिट ऊपर का ही मतलब 150 पॉइंट एटीएम से दूर आके एक लॉट बाय करना है। मतलब एटीएम से 100 पॉइंट दूर आके आपको एक लॉट सेल करना है, और एटीएम से है ना 150 पॉइंट दूर आकर दूर है ना यहाँ पे एक लॉट बाई करना है, सिंपल। उसी तरह पुट साइड भी आपको करना है, क्या करना है, 100 पॉइंट दूर आना, एक लॉट को यहाँ पे सेल करना है, और 150 पॉइंट दूर है ना एक लॉट यहाँ पे बाई करना है। एक आयरन कॉन्डर यहाँ पे बन चुका है, राइट। तो देखिए मैंने क्या किया, सिंपल कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे एटीएम से है ना 100 पॉइंट दूर आया, एक लॉट सेल किया, 150 पॉइंट दूर गया, एक लॉट बाई किया। सेम उसी तरह कॉल साइड 100 पॉइंट दूर आया, एक लॉट सेल किया, और 150 पॉइंट दूर आके एक लॉट बाई किया, सिंपल। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी यहाँ पे आपको करना क्या है, 300 पॉइंट यहाँ पे पुट साइड भी 300 पॉइंट दूर जाके आपको क्या करना है, एक लॉट यहाँ पे अगेन बाई करना है, उसके एग्जैक्टली ऊपर का मतलब एटीएम से 350 पॉइंट दूर जाके आपको है ना दो लॉट यहाँ पे क्या करना है, दो लॉट है ना, इसको क्वांटिटी में बढ़ाता हूँ, यहाँ पे लॉट बढ़ाता हूँ, ओके। यहाँ पे क्या करना है, दो लॉट, ओके, दो लॉट मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो मतलब यहाँ पे दो लॉट मैंने यहाँ पे डाल दिया, सिंपल है। कॉल साइड भी इसी तरह करना है, पुट साइड भी इसी तरह करना है, दोनों साइड सेम रहेगा। क्या किया मैंने यहाँ पे, एटीएम से 300 पॉइंट दूर आके एक लॉट यहाँ पे बाई किया, एटीएम से 350 पॉइंट आकर यहाँ पे दूर एक दो लॉट यहाँ पे सेल किया, सिंपल। देखिए एक बार दोबारा बताता हूँ मैं, एटीएम से ना आपको 100 पॉइंट दूर आना है, एक लॉट सेल करना है, एटीएम से 150 पॉइंट दूर आना है, एक लॉट बाई करना है, एटीएम से 300 पॉइंट दूर आना है, एक लॉट अगेन बाई करना है, एटीएम से 350 पॉइंट आना है, यहाँ पे दो लॉट सेल करना है, ठीक है। लास्ट आखिरी का है ना दो लॉट यहाँ पे आपको सेल करना है। तो उसी तरह आपको कॉल साइड भी करना है, कॉल साइड हमने ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ है, अभी 300 पॉइंट का यहाँ पे बचा है, 300 पॉइंट दूर आना है एटीएम से, यहाँ पे क्या करना है एक लॉट बाई करना है, और यहाँ पे क्या करना है 350 पॉइंट दूर आना है, यहाँ पे दो लॉट यहाँ पे सेल करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे दो लॉट ऐड कर दिया, देखिए, ओके।
तो अभी है ना आपको कुछ इस तरह यहाँ पे दिखने वाला है। देखिए आपका पे ऑफ चार्ट भी कुछ यहाँ पे इस तरह देखने वाला है। यहाँ पे देखिए रिस्क अनडिफाइंड है, ओके, यहाँ पे मैक्स लॉस है ना अनडिफाइंड है, तो बहुत बड़ा रेंज है। एक्चुअली ये रेंज छोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा है रेंज। आप मान के चलिए 5 महीने में ना सिर्फ 2 बार SL हिट हुआ है, बाकी का ना कंटिन्यू प्रॉफिट ही हुआ है पूरा 5 महीने तक। मगर उसमें क्या है, जो SL जो हिट हुआ है उसको या फिर SL लेके आप बाहर निकल सकते हैं या फिर आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट में बताऊंगा कैसे करना है, बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है, मैं आपको बताऊंगा। बहुत इजी एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया, वो भी मैं बताऊंगा। जस्ट देखिए यहाँ पे फंड कितना यहाँ पे लग रहा है आपको। यहाँ पे फंड देख सकते हैं आप, 2 लाख से लेके नॉर्मल है ना 2,30,000-40,000 तक यहाँ पे फंड लगने वाला है। और रिटर्न है ना यहाँ पे अच्छा खासा, देखिए 2% तक का रिटर्न यहाँ पे नॉर्मली देखने के लिए मिलता है, कभी कभार 3% भी रिटर्न यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जिसमें से अगर आपको 1.5-2% का प्रॉफिट 1.5% तक अगर दिख गया तो यहाँ पे आप रुकने की जरूरत नहीं, एग्जिट कर सकते हैं इमीडिएटली, ओके सर। मगर फिर भी है ना मैं इसको पूरा डिटेल में ना आपको एडजस्टमेंट्स करके दिखाऊंगा, प्रॉफिट दिखने के बाद भी टिल एक्सपायरी तक भी मैं इसको होल्ड करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए मैं इस पर है ना कभी भी आज तक रियल मनी से ट्रेड नहीं किया हूँ, मैं सिर्फ है ना आयरन क्वांडर पर ट्रेड करता हूँ, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ग्रीन हर महीना यहाँ पे मैं पे ऑफ चार्ट ग्रीन यहाँ पे मिशन ग्रीन 2024 के नाम से जो मैं कर रहा हूँ चैलेंजिंग, साथ में जनवरी से लेकर टिल दिसंबर 2024 तक है ना मैं हर महीना 4% प्रॉफिट के साथ में है ना ग्रीन करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ आयरन क्वांडर पर ट्रेड करता हूँ सर, ओके। अगर किसी को प्रीमियम ग्रुप में अगर जुड़ना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बताया आपको, अभी देखिए यहाँ पे है ना मैंने इसका बैक टेस्ट किया हुआ, इसका एक एक्सेल शीट बना के उस पर सारा डिटेल में अपडेट किया हुआ, कितना प्रॉफिट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, सब कुछ अपडेट किया हुआ है। उसके अलावा है ना यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट भी इसका डिज़ाइन किया हुआ, वो भी मैं आपको बताऊँगा। अगर आप भी करना चाहते हैं तो है ना आप इसको एक बार है ना अपने आप भी है ना एक 6 महीने 1 ईयर 2 ईयर का बैक टेस्ट खुद भी कीजिए, खुद भी इसको समझिए, उसके बाद है ना आप इसको डेफिनेटली ट्राई कीजिए। बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, ओके सर। चलिए मैं 2 आवर्स का यहाँ पे फॉरवर्ड करके चलता हूँ, तो आपको यहाँ पे निगाह रखना है, कहाँ पे P&L, ओके, यहाँ पे आपको निगाह रखना है। चलिए मैं इसको क्या करता हूँ अभी 2 आवर्स फॉरवर्ड करता हूँ। देखिए 1500 प्रॉफिट यहाँ पे सेम डे उसी के दिन, देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे प्रॉफिट हो ही जाता है। नेक्स्ट डे है ना मंडे के दिन 10 बजे तक 9:46 तक यहाँ पे देखिए 1500 यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट मिल जाता है, ऐसा होता ही नहीं है कि कभी लॉस हो, कभी कभार होता है, राइट, डेफिनेटली होता है। तो जिस दिन होता है ना उस दिन हम एडजस्टमेंट करके उसको है ना कंट्रोल भी कर सकते हैं, अगर आप एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो। अगर आप नहीं एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं स्टॉप लॉस के बारे में जस्ट इसको फॉरवर्ड कंप्लीट करके मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप 0.9% ऑलमोस्ट 1% यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है 2,080 रुपये, राइट। तो मैं इसको फॉरवर्ड करते हुए चल रहा हूँ। देखिए 1% मंडे के दिन ही प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका है, मंडे के दिन 1% प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिल चुका है, ठीक है। तो मैं इसी तरह मंडे ने अभी हम वेंसडे पे पहुंच गए, ओके, वेंसडे के दिन हम पहुंच गए यहाँ पे 1% प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। 1 पॉइंट यहाँ पे देखिए इससे 1.0% यहाँ पे दिखा रहा है, 2300 प्रॉफिट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है, राइट। यहाँ देखिए अभी 3680 प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। थर्सडे के दिन हम पहुंच चुके हैं, 1.6% प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिला है सर, ठीक है। तो देखिए ऑलमोस्ट 3900 मतलब 4000 तक ऑलमोस्ट प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ये देखिए 4000 क्रॉस भी हो गया, 4350, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिले हैं। यहाँ पे देखिए 4500 यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे इतना बड़ा प्रॉफिट देखने के लिए मिला है, पूरा 2%, बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिला, राइट। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये जो स्टॉप लॉस वाले हैं उनको मैं बता दूं। यहाँ पे देखिए अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं करना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसा ही मार्केट ये ब्रेक इवन के पास में पहुँचता है वहाँ पे उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा लॉस नहीं रहता, बहुत कम माइनर लॉस रहता है, मतलब उतना ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं रहता, जितना मंथली वीकली जो प्रॉफिट कर रहे हैं उससे कम रहता है या उतना ही रहता है लॉस, उससे कम ही रहता है, ज़्यादा तो नहीं रहेगा। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, पूरा ट्रेड को ही एग्जिट कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे अनडिफाइंड रिस्क, आप होप से बैठेंगे तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है आपको, इतना पूरा आपका अकाउंट खाली हो सकता है, मैं बता रहा हूँ। अगर ट्रेंडिंग मार्केट में आप फंस गए, होप से अगर आप रुक गए कि मार्केट देखते हैं वापस घूम के आएगा, आप अगर रुक गए तो डेफिनेटली आपको है ना पूरा आपका मतलब बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, बहुत ज़्यादा खतरा है। अनडिफाइंड जो लॉस रहता है ना बहुत डेंजर रहता है। तो इसीलिए ना यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेक इवन रेंज के पास पहुँचता है तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली स्टॉप लॉस लेके एग्जिट कर देना है। या फिर आप एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई आपको एडजस्टमेंट से प्रॉब्लम नहीं है तो मैं अभी है ना एडजस्टमेंट आपको करके दिखाता हूँ। चलिए मैं अभी स्टॉप लॉस तो मैंने बता दिया, और यहाँ पे नॉर्मली फंड कितना यूज होता है मैं बोला 2 लाख से 2,30,000-40,000 तक लग जाता है, कभी कभार 1.8 लाख भी लग जाता है, वो प्रीमियम के ऊपर डिपेंड है। अगर प्रीमियम ज़्यादा है तो वहाँ पे है ना आपको ज़्यादा वहाँ पे फंड वहाँ पे लगता है, प्रीमियम कम है तो थोड़ा फंड
कम लगता है। उसके बाद है ना, मैं एक्सेल शीट को भी आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे एसएल हिट हुआ है, तो मैं इस कौन सा एसएल, यहाँ पे देखिए दो है ना मार्च में, सॉरी अप्रैल में दो एसएल यहाँ पे कंटिन्यू हिट हुआ है 2024 में ही, तो ये सब लेटेस्ट है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, 18 तारीख एक्सपायरी है ना, तो मैं 18 तारीख को लेता हूँ अप्रैल का। ओके सॉरी, आगे लेना है राइट, 18 तारीख को, अप्रैल को 18, यहाँ 18 राइट। देखिए यहाँ पे एक्सपायरी कहाँ पे 18 तारीख के, तो मेरा स्टार्ट डेट कहाँ पे रहेगा, फ्राइडे के दिन 12 बजे रहेगा राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टार्ट डेट 12 को सेलेक्ट करता हूँ, एक्सपायरी मेरा क्या रहेगा 18 रहेगा राइट। तो मैं इसको है ना 12 के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए 12 को मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे 12 बजे टाइमिंग भी लेता हूँ, टाइमिंग मेरा क्या रहेगा 12 बजे रहेगा। देखिए यहाँ पे मैंने 18 एक्सपायरी आ गया ना अभी, तो अभी मैं क्या करता हूँ, एटीएम से 100 पॉइंट दूर आके ना एक लॉट सेल किया, फिर 150 पॉइंट दूर एक लॉट बाई किया। ओके, पुट साइड कॉल साइड भी उसी तरह करना है, यहाँ पे 100 पॉइंट दूर आना एक लॉट सेल किया, 150 पॉइंट दूर एक लॉट बाई किया, सिंपल। अभी 300 पॉइंट दूर जाके एक लॉट बाई, 350 पॉइंट दूर जाके दो लॉट सेल, दोनों तरफ सेम पुट एंड कॉल साइड दोनों भी सेम ही हो वैसे ही करना है। ओके, यहाँ देखिए एटीएम से मैं कितना पॉइंट दूर आया, यहाँ पे मैं 300 पॉइंट दूर आया, एक लॉट यहाँ पे बाई किया, और यहाँ पे 350 पॉइंट को ना यहाँ पे एक दो लॉट सेल करना ना, यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज करता हूँ मैं। ओके, दो लॉट यहाँ पे मैंने कर दिया। ओके, अभी दो दिख रहा है ना आपको, यस। इसी तरह अभी पुट साइड भी करना है, 350 पॉइंट दूर जाके आपको एक लॉट बाई करना, 350 पॉइंट से आपको यहाँ पे दो लॉट सेल करना है। देखिए यहाँ पे मैं इसको भी क्वांटिटी इंक्रीज करता हूँ, दो लॉट सेल किया मैंने आखिरी का राइट। तो अभी देखिए पे ऑफ चार्ट अभी आपको कुछ इस तरह यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है अभी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट हमें करना कब है, एडजस्टमेंट जैसे मैं आपको स्टॉप लॉस के बारे में बताया, जैसे ही मार्केट ब्रेक इवन रेंज के पास में पहुँचता है तो हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस लेके एग्जिट करना है। मैंने बोला अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहते, आप एडजस्टमेंट करके मार्केट में रुक के ना इसको ग्रीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, एडजस्टमेंट करके ना इसको कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट यहां पे पहुंचेगा ब्रेक इवन के पास, जैसे ही मार्केट पहुंचेगा तो आप करना क्या है, सिंपल सारा एग्जिट कर देना, सारा एग्जिट कर देना, सिर्फ लास्ट का एक रखना है आपको, जो लास्ट का जो पुट, अगर डाउनसाइड अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है तो लास्ट का ये पुट है ना, ये आपको बस रख देना, बाकी का सारा आपको मतलब ये जितने भी है ना सारे आपको एग्जिट कर देना है, सिर्फ लास्ट को वो रखना है। अगर मान के चलिए मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर मान के चलिए मार्केट क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो अगर ऊपर जा रहा है तो जैसे ही मार्केट है ना यहाँ पे ब्रेक इवन रेंज के पास पहुँचेगा तो आपको क्या करना है, सारा आपको एग्जिट करना है, सिर्फ कॉल हेज को, जो आखिरी का कॉल हेज है ना, आखिरी का कॉल हेज ये वाला जो डबल हम सेल करते हैं राइट, वो वाला रखना है। मतलब दो लॉट जो हम सेल करते हैं, एक लॉट जो बाई करते हैं ना, उसको हमें रखना है। ओके, मतलब यहाँ पे देखिए दो लॉट मैंने यहाँ पे कॉल को सेल किया है राइट, यहाँ पे एक लॉट यहाँ पे बाई किया, जो इसका पेयर है ना इस पेयर को रखना है। तो मैं ना एक बार अभी पुट साइड का भी, अभी ये मार्केट है ना, अभी एक बार यहाँ पे मतलब नेक्स्ट करके मैं एक एडजस्टमेंट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए 2 आवर्स में फॉरवर्ड करता हूँ, यहाँ पे देखिए 536 यहाँ पे लॉस देखने के लिए मिल रहा है, मार्केट अब गिर रहा है राइट, फॉल हो रहा है। तो एडजस्टमेंट देखिए जैसे ब्रेक इवन रेंज के पास पहुंचेगा तो मैं क्या करता हूँ, देखिए ब्रेक इवन रेंज पहुंच के पूरा अच्छा शार्प ब्रेक इवन रेंज के पास पहुंच चुका है अभी, ये देखिए 1.8% थोड़ा क्रॉस हुआ है, मैं थोड़ा बैक करता हूँ इसको, 15 मिनट बैक करता हूँ। ओके, 5 मिनट यहाँ पे आगे लेता हूँ मैं। ओके, देखिए मैं बोल रहा हूँ अनडिफाइंड लॉस रहता है, यहाँ पे बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा आपको, थोड़ा भी आप इसमें अब मत देखिए कितना जल्दी वहाँ पे ब्रेक इवन रेंज के पास आता है उतना ज़्यादा लॉस दिखता है आपको। अब मान के चलिए एक्सपायरी के नज़दीक नज़दीक आने के बाद आपको यहाँ पे है ना लॉस, यहाँ पे अगर ब्रेक इवन रेंज के पास पहुँचता है तो आपको लॉस अभी यहाँ पे जो 4300 जो दिखा रहा है तो उतना नहीं दिखेगा। मैंने क्या बोला आपको, वीकली जितना आपको प्रॉफिट दिखता है नॉर्मली आप लेते हैं उतना लगभग है ना आपको लॉस भी देखने के लिए मिलता है, तो आप एग्जिट करके निकल जा सकते हैं। और ये है ना लॉस आपको हर वीक नहीं दिखता है, ये आपको ना 5 महीने में, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 2 बार यहाँ पे ऐसा कुछ देखने के लिए मिला है, इसके बाद नॉर्मली 5 महीने में ऐसे बार बार ऐसा देखने के लिए आपको मिलेगा नहीं। फिर भी अगर मिलेगा तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो 4355 जो लॉस दिख रहा है इसको आप ग्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं एडजस्टमेंट करके। तो अभी जैसे ब्रेक इवन रेंज के पास डाउनसाइड जा रहा है, तो मतलब मुझे अभी क्या रखना पड़ेगा, पुट को होल्ड करना पड़ेगा राइट, क्योंकि पुट सेल में हमें लॉस यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इसीलिए अगर मार्केट यहाँ अपसाइड अगर ब्रेक कर रहा होता तो हमें क्या करना होता, कॉल साइड को वहाँ पे हमें होल्ड करना होता, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाता है तो लॉस किस में रहता है अपने को, कॉल सेल में रहता है राइट। इसीलिए तो अभी मैं क्या करता हूँ, सारे है ना एग्जिट कर देता हूँ। देखिए मैं सारे अभी क्या करता हूँ यहाँ पे इसको एग्जिट पुट को, जो पुट का पहले जो आयरन कॉन्डर का जो पुट हेज रहता है ना उसको भी निकालना है। ओके, पुट आयरन कॉन्डर को भी निकालना है, सिर्फ हमें पुट है ना आयरन फ्लाई को रखना है। देखिए मैं कॉल को ना आयरन फ्लाई कॉन्डर सबको हटा दे रहा हूँ,
देखिए मैं सारे को हटा दिया, सब एग्जिट कर दिया, सिर्फ अभी मैं क्या होल्ड किया यहाँ पे, पुट का जो आयरन फ्लाई का जो लास्ट हेज का था ना, दो लॉट सेल किया था ना, मैं दो लॉट यहाँ पे सेल किया था, एक लॉट बाई किया था ना, उसको रखना है बस। उसके बाद है ना आपको पे ऑफ चार्ट कुछ इस तरह यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हैं इसको, आप इस तरह यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके देखिए यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह आपको देखने के लिए मिलेगा। इधर अपर साइड है ना कम्प्लीटली जीरो लॉस हो जाएगा। ओके और डाउन साइड है ना आपको अनडिफाइंड लॉस रहेगा। तो अभी यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट कैसे करना है ये अभी देखिए। आपको सिंपल क्या करना है पता है, एटीएम है ना, एटीएम को आपको एक लॉट सेल करना है। सिंपल एटीएम को आप एक लॉट सेल किए, सेल करने के बाद आपको 300 पॉइंट दूर जाके एक लॉट बाई भी करना है। ओके 300 पॉइंट दूर जाके आपको एक लॉट बाई भी करना है। सिंपल खत्म, बस इतना ही है, इतना ही करना है। मतलब एटीएम को सेल करना है और 300 पॉइंट दूर जाके आपको एक लॉट बाई भी करना है। तो अभी देखिए, अभी इसका देखिए, अभी हमें इसको कब तक होल्ड करना है और इसको अगर रिवर्स होता है तो कब कहाँ पे काटना है और आगे चलता है तो फिर हम पे क्या कर सकते हैं। देखिए क्योंकि लॉस यहाँ पे अगेन अनडिफाइंड ही है, ये देखिए यहाँ थोड़ा फायर फाइट रहेगा आपको मैं बता रहा हूँ। थोड़ा है ना, एक बार ब्रेक इवन रेंज के पास पहुँच गया तो अपने लॉस से बचने के लिए आपको थोड़ा फायर फाइट करना पड़ेगा। उतना भी ज़्यादा फायर फाइट नहीं है, हल्के में उतना आपको लगेगा, बस थोड़ा मार्केट को आपको देखना पड़ेगा सर। ठीक है तो चलिए अभी मैं बताता हूँ आपको, आपको क्या करना है। अगर मार्केट अप मतलब अभी मार्केट कंटिन्यू सेम ट्रेंड में अगर चलने लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट रिवर्स हो गया तो आपको है ना ये जो ब्रेक इवन रेंज दिख रहा है ना, यहाँ पे जैसे ही मार्केट रिवर्स आ जाएगा तो आप जो एक्स्ट्रा जो सेल किए हैं, एक्स्ट्रा जो अभी आपने सेल किए उसको एग्जिट कर देना है। अगर मार्केट रिवर्स आता है तो आपको क्या करना है, जो आपने एक्स्ट्रा सेल किया हुआ है उसको आप एग्जिट कर देना है। अगर मान के चलिए मार्केट सेम ट्रेंड पे जा रहा है तो जैसे अगेन ब्रेक इवन रेंज के पास आएगा तो आपको क्या करना है, उस प्रॉफिट को बुक कर देना है। अभी जो चल रहा है कॉल का हेज जो मैंने नया डाला है उसको बुक करना है, अगेन सेम प्रोसेस फॉलो करना है, एटीएम को सेल करने का 200-300 पॉइंट या प्रीमियम के ऊपर डिपेंड है, मैं बताऊंगा अभी आपको। तो अभी क्या करेंगे हम, नेक्स्ट फॉरवर्ड करता हूं मैं, जैसे ही एटीएम के पास पहुंचता है, जैसे ही यहां पे सॉरी एटीएम नहीं, जैसे यहां पे ब्रेक इवन रेंज के पास पहुंचता है तो मैं क्या करता हूं, जो मैं अभी एक्स्ट्रा जो सेल किया हेज को, इस हेज को है ना मैं अगेन बुक कर देता हूं। देखिए अभी मैं नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हुए चलता हूं, लॉस देखिए यहां पे कितना दिख रहा है अभी 4300 है ना। तो देखिए मैं इसको लॉस को कैसे कम करके दिखाता हूं। देखिए मार्केट यहां पे रिवर्स हो गया, अगर यहां पे पहुंच गया तो हम एग्जिट कर देंगे। अच्छा वापस आ गया, चलिए तो 3000 यहां पे लॉस देखने के लिए मिल रहा है अभी, राइट 3400। देखिए यहां पे ब्रेक इवन रेंज के पास क्रॉस हो रहा है तो मैं क्या करता हूं यहां पे सिर्फ कितना 5 मिनट पीछे लेता हूं। अच्छा गैप अप ओपन हुआ यहां पर शायद, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 5 मिनट पीछे लेता हूँ। ओके अच्छा वो आया था यहाँ पे, राइट ये देखिए यहाँ पे अभी एकदम शार्प पर ब्रेक इवन रेंज के पास में भी मार्केट पहुँच चुका है, राइट। देखिए अभी यहाँ पे क्या करना है, जो मैंने एक्स्ट्रा मैंने क्या बोला, अगर सेम ट्रेंड पे जा रहा है तो जो हमने एक्स्ट्रा सेल किया उसको बुक करना है, क्यों उसमें प्रॉफिट रहता है। अगेन है ना एटीएम को पहुँचा है वो, सॉरी ब्रेक इवन रेंज के पास पहुँचा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5800 इसमें प्रॉफिट है, 1400 इसमें लॉस है। तो मैं इस दोनों को है ना यहाँ पे बुक कर देता हूँ, दोनों को बुक किया। ओके जो मैं एक्स्ट्रा सेल किया तो दोनों को बुक किया। तो अभी है ना अभी अगेन इस तरह हमें यहाँ पे कुछ देखने के लिए मिलेगा ये पे ऑफ चार्ट, एक मिनट रुकिए। ओके तो अभी है ना कुछ इस तरह यहाँ पे आपको पे ऑफ चार्ट देखने के लिए मिल रहा है, राइट। तो अभी देखिए अभी यहाँ पे क्या करना है, मैं क्या बोला आपको एटीएम को अगेन सेल करने का, एटीएम को अगेन सेल करने का, 300 पॉइंट दूर जाके आपको अगेन एक लॉट यहाँ पे बाई करने का। तो आपको कुछ इस तरह यहाँ पे ऑफ चार्ट अभी देखने के लिए मिलेगा, पे ऑफ चार्ट आपको कुछ इस तरह यहाँ पे ऑफ चार्ट देखने के लिए मिलेगा। तो अभी अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखिए मार्केट अगेन यहाँ पे ब्रेक इवन रेंज के पास पहुँच में, अगर ब्रेक इवन रेंज के पास अगर दोबारा मार्केट पहुँच गया तो हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा जो हमने सेल किया है उसको बुक कर देंगे। अगर मान के चलिए मार्केट रिवर्स हो गया फिर दोबारा इधर रिवर्स हो गया तो इस ब्रेक इवन रेंज के पास पहुँचते ही हम क्या करते हैं, जो हमने एक्स्ट्रा सेल किया है उसको हम काट देना है, इमिडिएटली हम उसको काट देना है। ठीक है तो मार्केट इतना जब मूवमेंट कर जाता है ना सर, मूवमेंट करने के बाद उतना एग्रेसिवली रिवर्स होना बहुत मुश्किल है, और हुआ भी तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे, राइट। तो ब्रेक इवन रेंज के पास, देखिए यहाँ सारा खेल ब्रेक इवन रेंज का है, तो अपसाइड हो डाउन साइड हो, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट 2 आवर्स करता हूँ, जैसे यहाँ पे ब्रेक इवन रेंज के पास पहुँचता है मार्केट उसको मैं हटा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 4300 लॉस था, अभी यहाँ पे 1900 लॉस पे यहाँ पे पहुँच चुका है अभी, ओके 2000 तक यहाँ पे पहुँच चुका है। अगेन देखिए मार्केट अगेन गिर रहा है, राइट। तो मैं थोड़ा है ना 5 मिनट पीछे आता हूँ ब्रेक इवन रेंज के पास, ये देखिए यहाँ पे है ना अगेन ब्रेक इवन रेंज के पास में यहाँ पे मार्केट पहुँच चुका, राइट। अगेन यहाँ पे ब्रेक इवन रेंज के पास मार्केट पहुँचा है, तो मैं क्या करता हूँ अगेन इसको बुक करता हूँ। सिंपल ये देखिए ये कॉल जो मैंने एक्स्ट्रा सेल किया था, एक्स्ट्रा बाई किया था ना, इसको हटा दिया अभी मैं। हटाने के बाद मुझे पे ऑफ चार्ट है ना कुछ इस तरह यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ये देखिए, राइट। सिंपल है, इतना आपको पे ऑफ चार्ट देखने के लिए मिलेगा। तो अगेन आपको क्या करना है, अगेन एटीएम को सेल करना है कॉल साइड। हम कॉल साइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट गिर रहा है, राइट, इसीलिए।
300 पॉइंट दूर जाके आपको बाई करना है, सिंपल। अगेन यहाँ पे आपको ब्रेक इवन रेंज मिलेगा। अभी देखिए सेम, अगेन सेम फार्मूला, सेम आपको वो करना है। अभी जैसे ही देखिए मार्केट अगर कंटिन्यू चला तो यहाँ पे कहाँ है ब्रेक इवन रेंज, यहाँ पे अभी जैसे ही ब्रेक इवन रेंज के पास आएगा अगेन आपको कॉल साइड हेज को बुक करना है, सिंपल। और फंड यहाँ पे देखिए 1.9 लाख यहाँ पे फंड यहाँ पे यूज हो रहा है। अगर रिवर्स हो गया तो मार्केट देखिए बहुत बड़ा रेंज हो जाता है बैक साइड। अभी रिवर्स हुआ भी तो उतना आपको कुछ भी हैम्पर नहीं होगा। अगर मान के चलिए बहुत ही ज़्यादा रिवर्स हो गया तो ये जो ब्रेक इवन रेंज है ना, यहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा आपने सेल किया हुआ है उसको काट देना है। और यहाँ तक रिवर्स होते होते हैं ना, आपको लॉस भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं रहेगा उस टाइम पे, ओके। तो आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं या फिर जो भी छोटा लॉस होता है उसको भी लेके आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि आपने काफी आप यहां तक मैनेज कर लिया है, राइट। इसीलिए तो अभी मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट अभी फॉरवर्ड करते हुए चलता हूं तो ब्रेक इवन रेंज के पास पहुंचता है क्या, हम देखते हैं। 2300 यहां पे देखिए पूरा लॉस खत्म हो गया। देखिए सिर्फ 95 रुपये यहां पे लॉस दिख रहा है, सिर्फ 95 से 245 यहां पे लॉस दिख रहा है। देखिए अगेन यहां पे क्या हुआ, मार्केट गैप अप हो गया, सॉरी गैप डाउन हो गया शायद, राइट। एक मिनट मैं देखता हूँ यहाँ पे, यहाँ से हम राइट, तो 15 मिनट में इसे फॉरवर्ड करता हूँ, ओके। एक मिनट यहाँ पे 5 मिनट्स पीछे लेता हूँ मैं। अच्छा यहाँ पे देखिए, अब जब इतना लॉस छोटा, इतना फायर फाइट करने के बाद इतना छोटा लॉस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, सिर्फ 130 रुपये 90 रुपये तक भी दिखा, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, इमीडिएटली आप एग्जिट कर सकते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पे अभी कहाँ पे मार्केट, अच्छा यहाँ पे मार्केट अभी दोबारा है ना यहाँ पे पहुँच गया है। अभी मैं 5 मिनट्स उसको आगे लेता हूँ, ओके, 5 मिनट्स लेता हूँ। अभी देखते हैं इसका क्या, कितना देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। अगेन देखिए 2300 इस तरह यहाँ पे दिख रहा है, 1070 800। देखिए हम एक्सपायरी के दिन पहुंच चुके हैं, सबसे मेन बात है ना, हम एक्सपायरी तक इसको हम यहाँ पे लेके आ गए हैं। एक्सपायरी तक हम क्या किए, लॉस कितना छोटा लॉस हमें देखने के लिए मिला था, राइट। एक्सपायरी तक देखिए मार्केट अप एंड डाउन होते रहता है, मैं फिर भी इसको टिल एंड तक मैं देखता हूँ कितना तो होगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ 9 रुपये लॉस देखने के लिए मिल रहा है एक्सपायरी के दिन पहुँचने के बाद। ये देखिए ग्रीन में भी आ गए हम, ठीक है ना, ये तो मैं ग्रीन में भी आएगा मैंने सोचा नहीं था, मगर ग्रीन में भी आ गए। ये देखिए सिर्फ ग्रीन में से फिर 200, इतना आने के बाद एक्सपायरी के दिन वो भी 2:30 बजे तक कौन रुकता है, आपको उतना ग्रीन लेके एग्जिट कर देना, सिंपल, राइट। वहाँ तक आपको रुकना ही नहीं है, जब ग्रीन मिल जाता है आपको तो रुकते क्यों हैं, बोलिए। अगेन देखिए यहाँ पे ब्रेक इवन रेंज के पास अगेन मार्केट पहुँच चुका है। अगर आप अभी आप सब कुछ करना भी चाहें तो अभी देखिए, अभी मैं यहाँ पे सारा बुक करके ना, अगेन जो एक्स्ट्रा मैंने सेल किया उसको मैं बुक किया, अगेन मैं यहाँ पे नया ट्रेड डालना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए प्रीमियम मिल ही नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा इन द मनी का है ना, ये इन द मनी का यहाँ पे 86 रुपये लेता हूँ, ओके, क्योंकि प्रीमियम भी चाहिए ना, हम कुछ एक्स्ट्रा सेल करते हैं तो देखिए पूरा पे ऑफ चार्ट रेड हो गया, तो इसको हम यहाँ पे सेल नहीं कर सकते, इसको थोड़ा नीचे का सेल करता हूँ मैं। तो यहाँ इसके बाद भी यहाँ पे ऑफ चार्ट ग्रीन ही दिख रहा है। अगर मैं एटीएम को 21 रुपये का ही सेल करता हूँ तो थोड़ा दिख रहा है। देखिए यहाँ पे प्रीमियम में भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन हम जब 3:30 बजे तक पहुँच रहे, सॉरी 3:30 नहीं है, मेरे ख्याल से कितने बज गए अभी यहाँ पे, 2 बजे के 3 बजे लगभग 3 बजे तक हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं ऑलरेडी। देखिए हम 2 बजे 2:30 बजे तक है ना, हमें यहाँ पे प्रॉफिट भी देखने के लिए मिला है, राइट। 100 रुपये कुछ यहाँ पे ग्रीन मिला, सॉरी 11 रुपये यहाँ पे कुछ ग्रीन देखने के लिए मिला था, राइट। तो ग्रीन में एक बार वहाँ पे 11, मतलब मैं 2 आवर्स का फॉरवर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मुझे वहाँ पे 2 रुपये या सॉरी 11 रुपये देखने के लिए मिला। हो सकता है अगर हम 5-5 मिनट का फॉरवर्ड किए तो हो सकता है हमें 200-300-400 भी प्रॉफिट देखने के लिए मिला होगा वहाँ पे। आप देखिए ऐसा होता है, ओके। तो यहाँ तक हम कंट्रोल करके इस लॉस को पूरा ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह आप एडजस्टमेंट करके कंट्रोल कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं मैं, जब हम इस तरह एडजस्टमेंट्स करते हुए चलते हैं ना, तो मार्केट है ना रिवर्स होने का पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाता है उस टाइम पे, है ना, मार्केट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो अपना शुरुआत का जो ट्रेड रहता है, राइट, शुरुआत का जो अपना ये जो ट्रेड है, राइट, ये हम अपना ट्रेड है, ये बहुत बड़ा ग्रीन रेंज है, ये रेंज है ना बहुत बड़ा है, इसीलिए है ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इनकेस इतना दूर अगर इसको क्रॉस कर रहा है तो इट मीन्स मार्केट बहुत दूर आ चुका है, तो वहाँ पर सस्टेन हो जाएगा। और रिवर्स है ना उतना एग्रेसिवली जाना बहुत मुश्किल है, फिर भी अगर गया भी तो भी अपने पास ऑप्शन क्या है, ब्रेक इवन रेंज के पास पहुंचते ही जो हमने एक्स्ट्रा नॉर्मल सेल करते हैं उसको एग्जिट कर देना है, ओके। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर है। हमने यहाँ पे देखा ना, आपने यहाँ तक ग्रीन करके दिखाया, अभी यहाँ पे कोई प्रीमियम है ही नहीं, अभी यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा भी फायर फाइट करने का कोई फायदा ही नहीं है, राइट। यहाँ पे सिर्फ देखिए 21 रुपये यहाँ पे प्रीमियम मिल रहा है, तो अभी आगे क्या फायर फाइट करना है,
तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या है, बस ट्रेड को जो भी आप जितना आप कम करना था आपने कम कर दिया, राइट। और यहाँ पे है ना, आप मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट है ना सेंटर पे क्लोज हो जाता है, जितना इतना बड़ा आयरन कॉन्डर यहाँ पे स्ट्रैंगल जैसा दिख रहा है ना आपको, इतना बड़ा स्ट्रैंगल जैसा दिख रहा है, इतना बड़ा ग्रीन रेंज दिख रहा है, मार्केट है ना यहीं कहीं यहाँ पे क्लोज हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा नहीं है कि हर बार कॉर्नर पे आता है। ये बहुत वर्स्ट वीक था, ये वर्स्ट वीक का ही मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। ओके, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो एक बार है ना मैं आपको एक्सेल शीट भी दिखाता हूँ। ओके, स्टॉप लॉस की तो हमने बात करी थी, और यहाँ पे एक बार एक्सेल शीट भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट फाउंड हाईएस्ट टिल एक्सपायरी। तो ये जो प्रॉफिट है ना, जो मुझे मैं 2 आवर्स को जब फॉरवर्ड करते हुए चलता हूँ, तो जो मुझे प्रॉफिट देखने के लिए मिला हाईएस्ट, वो प्रॉफिट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ओके, हो सकता है इतना हाईएस्ट प्रॉफिट आप बुकिंग कर भी नहीं सकते शायद। देखिए, जो यहाँ पे मुझे मिला है दिखाया, वो मैं यहाँ पे अपडेट किया हूँ, तो आप देख सकते हैं। देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आप रियल मनी से आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप खुद भी है ना 1 से 2 साल 3 साल अगर आप बैक टेस्ट करते हैं, आपका खुद ब खुद आप खुद अपने तरफ से बैक टेस्ट करके एडजस्टमेंट को आप प्रैक्टिस करके, उसके बाद आपको अगर आपको लगा कि ठीक है, अच्छा है, कॉन्फिडेंटली हम कर सकते हैं, तो आप आगे बढ़िए। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें होते हैं जो लॉस में रहता है ट्रेड, फिर बाद में लॉस में जो ट्रेड रहता है फिर बाद में प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभार जो प्रॉफिट जो दिखते रहता है, हमें लगता है कि और प्रॉफिट होगा, तो बाद में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो फिर ये सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझने के लिए ना आप खुद भी एक बार बैक टेस्ट करेंगे, तो ही आप है ना इसमें अच्छा सीख सकेंगे। देखिए, आप है ना वैसे भी आप जाकर डायरेक्ट मार्केट में कूदते हैं, तो आपको लॉस है ना बहुत बार हाई प्रोबेबिलिटी रहता है लॉस रहने का। तो है ना, आपको सिमुलेटर के लिए अभी स्टॉकमा का कितना है, 399 कुछ है, तो छोटा सा एक मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेके क्या कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं, इसको बैक टेस्ट करके स्ट्रैटेजी को आप इंश्योर कर सकते हैं। उसके बाद आपका है ना फंड बड़ा फंड रहता है, तो आप है ना इतना तो सेफ्टी के लिए करना ही चाहिए, 2 से 3 साल तो आपको बैक टेस्ट करना चाहिए। उसके बाद जो आपको दिखता है ओके सही है, अभी हम ये कर सकते हैं, तो आप सेफली इसको कर सकते हैं। तो क्या होता है, बड़े रेंज के साथ हम शुरुआत करते हैं, एक तो विनिंग रेट वैसे ही ज़्यादा रहता है, फिर उसके बाद है ना अपना एडजस्टमेंट भी है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें काफ़ी हेल्प होता है, जो लॉस जो हमें दिखता है उसको कंट्रोल करने में काफ़ी हमें हेल्प मिलता है। तो चलिए, मैं आपको है ना एक्सेल शीट जस्ट डाउन में चलते हुए चलता हूं, आप देखते जाइए। देखिए, 4,000 3,000 2,000 3,000 इस तरह पे प्रॉफिट देखने के लिए मिला जनवरी 2024 में, राइट। अभी फरवरी 2024 में देखिए, 5,000 3,900 4,900 5,000 तक देखिए, लगभग 5 साढ़े 5 तक भी दिखता है वो। मैं 2 ओवर फॉरवर्ड करता हूं, तो उसमें आप बहुत सारा बड़ा प्रॉफिट मिस करके मैं चला गया, राइट। तो आप अगर 5 मिनट्स का अगर फॉरवर्ड करते हुए चलते हैं, तो बड़े बड़े प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। तो 5,500 देखिए मार्च में, देखिए 5,500 3,000 5,100 बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिला, 2,670। और यहाँ पे ना अप्रैल में बहुत वर्स्ट गया मार्केट, अप्रैल में वर्स्ट गया, मगर ये देखिए मैंने इसको हैंडल करके आपको दिखाया हुआ, राइट। अप्रैल यहाँ पे 18 तारीख को मैंने हैंडल करके दिखाया हुआ एकदम स्टॉप लॉस को। यहाँ पे जो लोग स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं, अगर नहीं आप स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एडजस्टमेंट करके उसको थोड़ा हैंडल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। मैंने एडजस्टमेंट भी यहाँ पे काफ़ी क्लियरली बताया है, ओके। और यहाँ पे देखिए मे का देखिए 1,600 1,600 2,400 1,400 1,500, यहाँ पे क्या होता है, प्रीमियम यहाँ पे कम में है, इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट छोटे छोटे में। सारा खेल है ना ये प्रीमियम पे डिपेंड है, ओके। प्रीमियम अगर कम में मिलता है, तो फिर वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, प्रॉफिट वहाँ पे कम ही हो जाता है। देखिए, अभी जून चल रहा है, राइट, जून 8 तारीख चल रहा है, तो मैंने क्या किया, लास्ट मंथ मतलब पूरा 5 महीने का मैंने यहाँ पे बैक टेस्ट किया हुआ है। और मैं आपको बता दूँ, ये मैं रियल मनी से कभी भी ट्रेड नहीं किया हूँ, मैं सिर्फ इसको डिज़ाइन किया स्ट्रैटेजी को, फिर मैं इसको बैक टेस्ट का भी मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ। और यहाँ पे जो मुझे एक्सेल मतलब जो मुझे रिजल्ट अच्छा दिखा, इसीलिए मैंने क्या किया, एक्सेल शीट पे सारा डेटा अपडेट करके मैं यहाँ पे आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। मगर मैं जो रियल मनी से ट्रेड करता हूँ, वो है ना मैं सिर्फ आयरन कॉन्डर पे ही करता हूँ, ओके। मंथली आयरन कॉन्डर पे क्या होता है, बहुत बड़े रेंज के साथ में करता हूँ मैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, या ये मेरा आयरन कॉन्डर का प्रीमियम है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे व्हाट्सएप पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी नंबर मिला है, वहाँ से भी आपको मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मेरे वेबसाइट पे भी आके विजिट करके यहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो गए, या फिर आप टेलीग्राम पे यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं, तो टेलीग्राम का भी यहाँ पे आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पे भी आप जुड़ जाओगे, या फिर टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे दिया हूँ, तो मैं वहाँ से आप डायरेक्टली आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, 3 महीना लाइव मार्केट में काम करके दिखाता हूँ, 3 महीना ना लाइव मार्केट में रियल मनी के साथ में जो मैं करता हूँ, वो सब कुछ लाइव पिन टू पिन बताते हुए करता हूँ मैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर महीना पूरा पे ऑफ चार्ट को मैं लॉस फ्री कर देता हूँ, पूरा जीरो लॉस
कर देता हूँ, राइट। तो आप है ना चाहे आप जुड़ सकते हैं, इंटरेस्टेड हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई क्वेरी होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं सर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और टेलीग्राम पर भी आप जुड़ना मत भूलिए। और मैंने यहाँ पर सब कुछ बोल दिया, राइट, फंड का भी बोल दिया, स्टॉप लॉस का बोल दिया, एक्सेल शीट बोल दिया, ओके, सब कुछ मैंने यहाँ पर कवर कर चुका हूँ। तो अभी मैं वीडियो को खत्म करता हूँ। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सर।